नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि में पांचवें इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।